बोलते बलारे साहिबाना ने श्रोमणी अकाली दल ते स्वर्गवासी जहेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी साहब बारे ते समुचे तलवंडी साहब के परिवार बारे बड़े विस्थार पूर्वक विचार रखे। समा इजाजत भी नहीं दिंदा कि लंबियां विचारां थोड़े नाल करिए, मगर मैं अज महसूस कर रहा सी कि जहेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी साहब नूं जद भी याद कीता करिया जांदा है ते एक एक श्रोमणी अकाली दल जां पंथिक सोच रखण वाले बंदे दे अंदर जोश भर जांदा है। ए महसूस होंदा है कि जिवें जहेदार साहब अज फिर साडे विचकार इत्थे बैठे है ते समुचा पंथ चढ़दी कला विच जोशीले अंदाज नाल पंथ दी चढ़दी कला दी गल जोरां नाल उठाउण लग पैंदा। मेरे वीरों, जहेदार साहब ते गुरु साहब दी मैं समझदा बहुत वड्डी बख्शिश सी। बख्शिश इसलिए मैं कहना कि अपने जीवन दे समय च एक इंसान नूं जे एडे वड्डे वड्डे अहुदे मिले होण ते ओह गुरु दी बख्शिश होवे फिर ही मिल सकदे आ। 50 साल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर रहना, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुख सेवादार बनना, श्रोमणी अकाली दल दे मुख सेवादार बनना, फिर गुरु ने यह बख्शिश भी की कि पंजाब की विधानसभा च कई बारी उन्होंने जाने का मौका मिलया, फिर जिन्नी भी संस्थावां एक लोकतंत्र च होंदियां ने भावें वह विधानसभा सी भावें वह लोकसभा सी ते भावें वह राज्यसभा सी या श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सी जिथे लोगों की आवाज बन के वख-वख रूपां च जाण च जाण दा मौका जे किसी इंसान नूं मिलिया ते लम्मा समा उह समा मिलिया गुरु की बख्शिश बदौलत, गुरु दीआं संगतां दी बदौलत उह समा मिलिया उह सरदार जगदेव सिंह जी तलवंडी साहब नूं मिलिया सी। अज मैं इत्थे बैठिया महसूस कर रहा सी कि जो पंजाब पंजाबीयत दी पंजाबियां दी जो वड्डियां मंगां सन उन्हां नूं लड़ाई नूं जदों शुरू होई सी उदों 4-5-9 सामने चेते आउंदे सन, जिवें मास्टर तारा सिंह जी का जिक्र होया। जे अज दे जमाने की थोड़े बीते हुए समय की गल करिए ते सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार गुरचरण सिंह जी टोड़ा साहब, सरदार कुलदीप सिंह जी वडाला जी ते बहुत ही सत्कारयोग सरदार जगदेव सिंह जी तलवंडी साहब ने थोड़े वड्डेरिया दे साथ रल के पंजाब नूं अपने हक्कां दी गल करन वास्ते बड़ी लम्मा संघर्ष किया ते लम्मा समा वह जेलां च भी रहे, मगर अफसोस ते दुख नाल इह गल कहनी पैंदी है कि जो गल्लां मैं 4-5 साल की उम्र च सुनदा सी अज भी उही गल्लां थोड़ा बहुता जरूर आपां अगे नूं तुरे आ, मगर मुख मंगा अज भी साडे नाल उत्थे दियां उत्थे खलोतियां ने। लंबा समा इस देश ते राज कांग्रेस पार्टी दा रहा ते इको गांधी परिवार दा रहा। देश की आजादी का जे 70 साल का समा कड्डो ते 55-58 साल एक गांधी परिवार का राज रहा ते उसे राज दे खिलाफ उन्हां दी गलत नीतियां दे खिलाफ उन्हां दी हमेशा सिखां प्रति ते पंजाबियां प्रति जो माड़ी सोच सी उहदे खिलाफ थोड़े वड्डेरिया ने ते श्रोमणी अकाली दल दे लीडर साहिबाना ने लम्मा लम्मा समा
जेलां भी कटियां ने। मेरे वीरों मैनू बड़े दुख नाल ये गल कहनी पैंदी है कि जद जमाना एक पासे तां गल हुंदी है कि चंद तारिया तक जाण दी, ते दूजे पासे जद पंजाब वल वेखीदा है ते अज भी कांग्रेस की सोच ओही इंदिरा गांधी वाली सोच अज भी पंजाब की कांग्रेस पंजाब च लागू करन नूं फिरदी है। भरा मारू जंग करवानी, भरा नूं भरा नाल लड़ा देना, हालात इहे जे बिगाड़दे ने कि जद निचोड़ होगा उस गल का ते मेरे वीरों ना किसे होर दा नुकसान है, ना बंबई च रहिंदे दा किसे दा नुकसान है, ना कलकत्ते च रहिंदे दा किसे दा नुकसान है। जे नुकसान अकीर च होगा ते थोड़ा साढ़ा पंजाबियां दा होगा, और ओही हालात अज दबार तो पैदा किए जा रहे। मगर मैं महसूस करदा कि सच्चे पातशाह की मेहर बख्शिश नाल हमेशा ये जिया चाला लोग चलाउंदे आए हैं, कांग्रेसी स्कीमां बनाउंदे आए हैं, मगर गुरु साहब की नाल नाल बख्शिश होंदी गई है कि इन्हां दे चेहरे भी नंगे होंदे जांदे है। अज बड़े दुख नाल एक गल कहनी पैंदी है कि एक नवा पंथ तैयार किया जा रहा, जिस पंथ का एको एक मकसद है। मैनू हैरानगी होंदी है कि वह बह के किवें कांग्रेसियां दी दबी जबान नाल उन्हां दी सिफत करदे आ, ते श्रोमणी अकाली दल दी वह वड्डे पद्धर ते निंदिया करदे। मैं जो अखौती पंथिक सोच वाले लोगों नूं जिन्हां ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सोच दिल च बसाई है उन्हां नूं पुछना चाहुंना कि श्री हरिमंदर साहब ते जे अज तक किसी ने अटैक करन दी हिम्मत कीती है ते इतिहास परोल लो, आजादी तो पहला जां जकरिया खान सी जां अहमद शाह अब्दाली सी, ते आजादी तो बाद जदों देश आजाद होया उदों बाद जे किसी ने हिम्मत कीती ते ओह इंदिरा गांधी सी जां कांग्रेस पार्टी सी, जां मुड़ के राजीव गांधी ने जदों उत्थे फिर एक ऑपरेशन करके 86 च गड़बड़ करने की कोशिश की सी। मेरे वीरों मैं तुहानू पुछदा है गल कि हमेशा जिथे सरबत दे भले की अरदास होंदी होवे उस थां ते टैंकां तोपां नाल बंब सिट के उस आस्था वाली थां नू ढह ढेरी करन दा मकसद की रहिंदा रहा? मकसद बड़ा सौखा रहा कि ऊं तां इह चढ़दी कला दे सिंघ किसे दे काबू आउण वाले नहीं, भावें आबादी घट है मगर पंजाब च की हिंदुस्तान च अज 90% कुरबानी थोड़ी, जय जवान जय किसान जिहदे नारे जे लगदे है वह सिर्फ थोड़ी कुरबानी ते खेती च थोड़े योगदान करके लगदे है। मगर जे थोनू मानसिकता नू सट मारनी होवे, जे थोनू कमजोर करना होवे ते थोड़ी सब तो उच्ची अदालत, थोड़ी सब तो उच्ची था श्री हरिमंदर साहब अकाल तख्त साहब ते अटैक कर दिओ ते पंजाबी कमजोर हो जाणगे। ये सोच नाल ये धाड़वी अटैक करते रहे, मगर इन्हां नूं इस गल की समझ नहीं कि सच्चे पातशाह ने जिहड़ी सब तो वड्डी गुड़ती सानू पंजाबियों नूं दित्ती है, जिथे कुरबानी दी दित्ती है उत्थे ये भी दित्ती है कि हर संकट तो बाद चढ़दी कला की सोच रखने वाले भी ये पंजाबी ने। मेरे वीरो अज मैं उन्हां कांग्रेसी जथेदारां नूं एक गल जरूर पुछदा कि कांग्रेस ने 2500 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी 84 च अटैक करा के अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी करके कि उहनूं जायज मंगदे आ? जे जायज नहीं मंगदे ते अज तक उहनां कांग्रेसियां नूं सवाल क्यों नहीं पुछदे? दूजा मेरा सवाल वो ये है कि 3000 धी भैन दिल्ली
ते हजारा दी गिनती च गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब सी 6 जून जदों टैंकां तोपां नाल उत्थे अटैक कराया उन्हां दी शहादत हो गई। अज तक उहदा इंसाफ नहीं मिलिया ते अटैक कराउण वाला कोई होर नहीं सी कांग्रेस पार्टी सी जिहड़ी ये नारे लगदे सन कि खून का बदला खून से बच्चा सरदार का देश के गद्दार का। ते मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा जां दूजा नारा लगदा सी बेटी सरदार की देश के गद्दार की। मैं इन्हां जथेदारां नूं पुछदा कांग्रेसी नूं कि अज तुसी कांग्रेस पार्टी नूं उन्हां धीआं पैणां दा हिसाब दी मंग कदे करोंगे कि नहीं करोंगे? मेरे वीरो फिर साडियां भावनावां नाल खेडदे किवें आ? आ श्री करतारपुर साहब का लांघा मिले ये अरदास कोई एक नहीं करता, रोज अरदास हुंदी, अज भी अरदास होई है, पता नहीं कदों दी अरदास हुंदी आउंदी है। हर सिख अरदास करता है, हर गुरु नानक नाम लेवा अरदास करता है कि सच्चे पातशाह जेड़े गुरद्वारा साहिबान साडे कोलों विछड़ गए है उहदे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल सानू बख्शी। ते मेरे वीरो मगर उहदे ते भी राजनीति। अज मैं कांग्रेसियां नू पुछना चाहुंदा ना साडा सानू यूनियन साडा अज तक साडा कोई ओ नहीं कैपिटल साडा कोई चंडीगढ़ साडा हक सी ओ नहीं मिलिया, पाणियां ते साडा हक सी ओ नहीं मिलिया। जे किथे आही कांग्रेसियां दे जिहड़े वड्डे लीडर सन जवाहर लाल नहरू उदों फैसला सही कर लैंदे ते अज करतारपुर साहब दे लांघे दी गल नहीं चलनी सी। ओह 3 किलोमीटर देश दीआं हद्दां थोड़ियां जी घुम के आ जांदियां ते अज करतारपुर साहब पंजाब च होना सी, मगर कांग्रेस दी ओही सोच पंजाबियां प्रति अज उहदा अब खमियाजा आपां अज तक भुगत रहे। मगर सच्चे पातशाह दा मैं धन्नवादी हाँ कि जद भी कोई राजनीति करदा है जे मुद्दे ते ते पर्दा फाश भी वह गुरु आप करता है। की होया आ कल स्पोक्स परसन बोले है उहदे एक्सटरनल अफेयरस मिनिस्ट्री दे, कहिंदा मेरे कोल ये मंग 1974 तो पहला दी ये मंग उठाउंदे आए आ, वख वख लोकां ने मंगा उठाइया ने। फिर कहिंदे कि 1999 च जदों वाजपाई साहब ते बादल साहब पाकिस्तान गए सी उदों भी यही मंग उठी सी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बीबी हरसिमरत कौर जी बादल ते वख-वख पंथक लीडरां ने हमेशा आके इस लांघे बारे गल कीती है। मगर लांघा देना किने है? वो पाकिस्तान ने देना। मगर अज तक 70 सालां च बार बार फिर भंबल भूसा पाया जा रहा कि जिवें इस लांघे दे विरुद्ध सी उहदा भी पर्दा फाश वो सच्चे पातशाह ने किया। जदों दसता कि हाले तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है, जद जिहड़े देश ने वह लांघा देना वह चिट्ठी दवे ना, ते एक पासे साडे फौजी रोज दी रोज वह जिहड़े शहीद हो रहे हैं वह किसी बगानी मां दे पुत ने, वह साडी रक्षा खातर रोज उन्होंने शहीद किया जा रहा है। ये हालात बनाए जाते हैं पंथ च झूठ बोल के, पंजाबियों च झूठ बोल के एक दूजे प्रति भरा मारू जांगे नफरत के बीज बोए जाते हैं। खालसा जी सचेत हो जाओ, अज नौकरी दे वायदा करने वाले, किसानी का कर्जा माफ करने वाले, जिन्होंने गुटका साहब के हाथ रख के इनिया झूठिया सौं खादिया सन उस तो ध्यान भटकाऊ मता, ध्यान भटकाऊ जिहड़ी राजनीति करते हैं उन्हां तो सुचेत होना पैना। फिर साडे बारे तां किसम किसम दीआं गल्लां वह भी मेरे गुरु ने पर्दा पास किया, जो फोटो लगी है ना, कदे कोई राधे मां नूं मत्था टेकदा, कदे कोई आसा राम नूं मत्था टेकदा, कदे सौदे साहब नूं मत्था टेकदा, ते गाला थोनू करदा ते आप पंथक बनदा। मेरे वीरो इह जादा भी पर्दा पाश ना थोड़े तो होना सी ना मेरे तो होना सी, उस गुरु की बख्शिश हुई तो पर्दा फाश होया। इसलिए मेरी तो खालसा जी
मन दे भलबले सन। मैं बोलना नहीं चाहुंदा सी क्योंकि ये मैं महसूस करता सी कि समा इजाजत नहीं दिंदा, मगर फिर मैं महसूस किया कि जे जहेदार साहब की अज वर्सी के मौके जे पंथिक गल ना दसी गई तो फिर मरा लड़ा लड़ा भरा मार देने है, तो आप दा किसी होर दा नहीं, नुकसान थोड़ा तो मेरा हो जाना है। 16 करोड़ी बाबे देता बैंकां च अग लगी पई है, दूजे दे रजिस्ट्रियां होण लग पईआं, न्याणे आस्ट्रेलिया ते अमरीका बैठे है, ते उहदा खामियाजा सानू ते थोनू भुगतना पैणा। इसलिए गुरु साहब बख्शिश करन कि पंथ तेरे दीआं गूंजां दिनों दिन पैंदीआं रहन, गुरु मेहर करन कि सानू आपसी इतफाक गुरु साहब बख्शिश करन। ते मैं इस गल दा बड़ा सच्चे पातशाह दा धन्नवादी आ कि जहेदार साहब दा इक सी तलवंडी साहब दा वो गर्म ते सर्द इक्को बंदे च फिट सी, मगर गां ये गर्म ते सर्द दा दो दोवां च वक्खो वक्ख देता। अज रणजीत सिंह चलदा ही गर्म है ते जगजीत सिंह गल ही ठंडी करदा मेरा वीर, इसलिए उही सुभा फिर तुरिया आउंदा। मगर हुण सरदार रणजीत सिंह दे जगजीत सिंह च असीं सरदार जगदेव सिंह जी नूं वेखदे आ तलवंडी साहब नूं, ये दोवें वीर तगड़े होके श्रोमणी अकाली दल की सेवा कर रहे हैं। गुरु बख्शिश करन, थोड़ा प्यार संगता का प्यार मिलता रहे, ये हक सच की आवाज़ नूं हमेशा इसे तरह बुलंद करते रहन। भुला चुका दी माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतिह। लो जी, तुसीं सुनिया सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब नूं। वाकई अज भी इस बरसी से एक गल लैके Good morning. दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक अच्छे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।